कनेक्शन होता है, ये आपको समझाना चाह रहा हूं मैं बेसिकली ये, ठीक है ना। ये तो होता ये है कि बेसिकली इसके अंदर होता है पेट्रोल आता है, हम सबको पता है कि यहां से पेट्रोल आता है इस सुराख से, ठीक है। पेट्रोल आता है इसके अंदर, इस सुराख से पेट्रोल इस टैंकी के अंदर आता है। ये यूं होती है टैंकी, ठीक है। टैंकी जो नहीं है इस तरह होती है, हम सबको पता है, जैसे कि सॉरी टू से दैट, ये कैसे होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है। टैंकी जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो पेट्रोल जब आता है इसके अंदर बेसिकली, तो बेसिकली अब होता है कि जेटों का कनेक्शन जो नहीं है अंदर हुआ हुआ होता है। आप देखें इस सुराख के अंदर, यहाँ पे हुआ हुआ होता है अंदर सुराख, आपको नज़र आएगा गोल सा वाइट डॉट, ये देखें यहाँ पे ये तो होता है दोस्तों बेसिकली। ये सुराख आप देख सकते हैं अंदर बेसिकली, कि जब अंदर यहाँ से जब जाती है ना बेसिकली एयर, तो अंदर जो पेट्रोल पड़ा होता है इस टैंकी के अंदर, उसने बनती है वैक्यूम। तो वैक्यूम बनने के बाद प्रेशर से वो पेट्रोल जो नहीं है वो किसी स्प्रे की तरह ऊपर आता है इस सुराख के अंदर। आप देख सकते हैं जो सुराख नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे अंदर, देखें इस सुराख के बिल्कुल अंदर आपको गोल सुराख नज़र आ रहा है बेसिकली, वो उस सुराख पे आता है और वहाँ से बेसिकली ये जो नहीं है इसके अंदर जाता है, कार इंजन के अंदर जाता है बेसिकली। अच्छा, जो पेट्रोल जाता है ना बेसिकली, वो इस तरह जाता है जिस तरह आपने कभी ये स्प्रे पेंट किया हो, तो स्प्रे पेंट को कभी आप प्रेस करते हैं लाइक दैट, कि इस तरह ये देखें, जैसे कि ये एक है, फर्श कर लें कि ये स्प्रे पेंट है। तो आप जैसे ही स्प्रे पेंट को प्रेस करते हैं तो आप उसे देखना होगा कि एक स्प्रे निकलता है, जैसे कि जिसमें एयर भी होती है और पेंट भी होता है दोस्तों। एग्जैक्टली वैसे ही जो नहीं है इस कार्बोरेटर के अंदर भी होता है, और वही जो नहीं है बेसिक उसी स्प्रे की शक्ल में बेसिकली ये पेट्रोल और एयर को इंजन के अंदर फेंकता है। ये देखें इस तरह लाइक दीजिए, ये बिल्कुल इस तरह, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ कि भाई इस तरह होता है ये, इस तरह देखें ये इस तरह बिल्कुल इस तरह ये फेंकता है, इस तरह स्प्रे करता है बेसिकली, है ना, बॉम्बिंग करता है इसकी ना पार्टिकल्स की बेसिकली। ये तो होता दोस्तों ये है कि इसमें दो जेट देने का मकसद ये होता है बेसिकली, क्या ना, एक जेट होता है मेन जेट, दूसरा जेट होता है स्लो जेट। वो इसलिए देते हैं बेसिकली कि जब आपकी गाड़ी है, अब आपने थ्रोटल जो बिल्कुल जीरो पे दी होगी तब भी तो गाड़ी को स्टार्ट तो रहना है ना बेसिकली, तो उस वक्त बेसिकली छोटा जेट जो नहीं है वो काम करता है दोस्तों बेसिकली। ये तो छोटा जेट जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे जेट को निकाल देते हैं गाड़ी से तो आपकी माइलेज जो है वो तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप इरिटेट कर जाओगे क्योंकि आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी। आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकोगे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपने थ्रोटल छोड़ दिया आपकी गाड़ी बंद होगी। इसलिए छोटा जेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें आप, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको इसके सारा फंक्शन बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों होता ये है कि इसकी जो मेन जो ये सुई है, ये देखें यहाँ पे, ये जो इसकी डायफ्रेम है, मेन डायफ्रेम, ये इस तरह लगी हुई होती है यहाँ पे, यूं करके देखें यहाँ पे। बेसिकली होता ये है कि यहाँ से इस सुराख से, ये जो सुराख देख रहे हैं आप, यहाँ से जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाती है ना तो इसके अंदर बनता है वैक्यूम और ये इस तरह उठ जाती है। ये देखें आप, इसको मैं उठाता हूँ अभी यहाँ से अंदर से, ये देखें ये हॉर्स देखें आप, अभी बंद है, अभी खुलेगी, देखें ये इस तरह हो जाती है यूँ। इसको मैं अगर यूँ कर दूँ इस तरह, ये देखें इसको अगर मैं यूँ इस तरह कर दूँ, ये यूँ इस तरह कर दूँ, ये बहुत नाजुक होती है दोस्तों बेसिकली। ये ऐसे कर दें आप, डाल दें अंदर, ये इस तरह की, इस तरह फूल जाती है, इस तरह ये फूल जाती है ईयर आने के बाद। और आप देख सकते हैं अंदर सुराख जो है वो ओपन हो चुका है हमारा, ये बेसिकली ये इसका फंक्शन। जैसे ही कार्बोरेटर इसको ईयर खींचता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे वैक्यूम बनता है और ये जो नहीं है ये फूल जाती है बेसिकली इस तरह, और हमारा जो नहीं है वो स्लाइड जो नहीं है ऊपर हो जाती है बेसिकली। ये स्लाइड जो होती है, ये स्लाइड, ये जो मेन जेट होता है आपका, ये इसके अंदर फंसी हुई होती है इस तरह, ये देखें यूँ, ये इस तरह फंसी हुई होती है बेसिकली, यूं करके ना इसके अंदर फंसी हुई होती है इंजेक्टर के अंदर यूं करके। तो जैसे ही आप ये हवा खींचता है, ये ऊपर जाता है ये, तो ये जेट ओपन होता है और यहाँ से जो नहीं है, जो इन सुराखों से जो नहीं है फ्यूल स्प्रे की शक्ल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली स्प्रे की शक्ल में जो नहीं है फ्यूल इंजन के अंदर जाता है, हेड के अंदर जाता है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर बेसिकली। ये तो इन सब की जो सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका जो नहीं है ठीक से काम नहीं करेगा जेट वेट सारे, हाँ मतलब गाड़ी मिसिंग भी करती है बेसिकली ये। तो अभी मैं आपको एक और बताऊँ आप यहाँ पे कि देखें यहाँ पे कि ये जो छोटी बेसिकली जो ये होती है यहाँ पे डायफ्रेम, ये देखें कहाँ गई ये डायफ्रेम, ये बेसिकली दोस्तों ये काम करती है चौक के साथ, ठीक है। अब जब चौक लगेगी ना तो आप यहाँ पर सुराख देख रहे हैं, यहाँ पर सुराख इस जगह पर कैमरे पे शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सुराख होता है एक,
वो सुराख जो नहीं है बेसिकली उसका कनेक्शन था ये देखें यहाँ पे, वो सुराख का कनेक्शन है यहाँ पे, ये देखें ये ऐसे ये सुराख आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ डालूंगा ना पेट्रोल तो ये अंदर निकलेगा, ये देखें गौर से देखें आप, ये देखें निकला ना अंदर से, यहाँ से काफी ज्यादा निकल गया। बेसिकली दोस्तों ये चौक के साथ काम करती है, ठीक है। दोस्तों होता ये है कि बेसिकली ये जो नहीं है चौक लगी होगी ना आपकी, उस वक्त ये जो है ना बेसिकली ये जो चौक के जो ये सुराख हैं जेटों के जो ऑक्सीजन की जो सुराख हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, उस वक्त बेसिकली ये यहाँ से ऑक्सीजन लेती है इस जगह से। ये देखें आप, मेरे पास एक तार की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से लेती हैं ऑक्सीजन इस सुराख से, ये सुराख देख रहे हैं आप ऊपर, ये सुराख यहाँ से आती है, ये देखें ये आप देख सकते हैं सुराख अंदर जाते हुए, ये सुराख जाता है अंदर यहाँ से यूं, और ये बेसिकली यहाँ से आए और यहाँ से ये पाइपिंग हुई हुई है इसके जेट के साथ। ये बेसिकली चौक को ये छोटे डायफ्रेम जो नहीं है छोटे जेट के लिए, समझ लें आप इन शॉर्ट मीनिंग्स में, कि जो बड़ी डायफ्रेम दोस्तों है ये मेन जेट के लिए है, और जो छोटी डायफ्रेम है ये वाली बेसिकली ये आपके स्मॉल जेट के लिए है, ठीक है ना। ये तो अगर ये ख़राब होगी ना दैट्स मीन कि आपकी चौक अच्छे से काम नहीं करेगी, आपको मसला हो सकता है ये। और अब मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो तीसरा एक और इसमें पंप है, ये तीसरा, ये देखें यहाँ पे, ये तीसरी भी एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये दोस्तों जेट नहीं है, ये मैं फोकस करता हूँ ज़रा, ये देखें दोस्तों ये जो तीसरा है ना बेसिकली ये बेसिकली जेट नहीं है, ये इसका जो नहीं है एयर पंप होता है बेसिकली। ये इसको मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए, देखें ये ओपन होता है इस तरह, इसको ओपन करें अगर आप यूँ, ये देखें ये रबड़ है इसमें ये, और अंदर देख सकते हैं आप इसके अंदर एक जेट लगा हुआ है, लेकिन वो पंप है बेसिकली। इसका जो कनेक्शन होता है ना बेसिकली ये चौक के साथ होता है, ये यहाँ से होता है, इसकी जो पाइपिंग है ना बेसिकली वो होती है कहाँ गया ये यहाँ पे, ये चौक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चौक मैं ज़रा थोड़ा सा इसको जूम आगे करता हूँ, ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये चौक, ये इसका कनेक्शन होता है इस चौक के साथ, ठीक है। इस चौक के ये देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरे एंड पे ये इस जगह पे अंदर एक सुराख होता है इस चौक के अंदर, ठीक है। वहाँ से इसका कनेक्शन होता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि जब आप चौक लगाएंगे ना बेसिकली, तो बेसिकली दोस्तों ये जो है ना ये दो सुराख ये ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पे हवा नहीं आ पाती इन दो जेटों के ऊपर। तो बेसिकली फिर क्या होता है कि अंदर वैक्यूम बन जाता है, तो उन वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए चौक से आती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ से ये देखें इन ये देख रहे हैं ये पाइप देख रहे होंगे आप, ये इसको मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, इस पाइप की मदद से जो नहीं है ये एयर जो नहीं है वो अंदर पैदा होती है इसके अंदर बेसिकली। ये यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, दोनों तरफ से बेसिकली ओपन होता है, ये चौक से एयर आती है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से अभी आपके सामने एक्सपेरिमेंट भी कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं डालूँगा ना पेट्रोल, फर्ज कर लें एक मिनट ज़रा थोड़ा सा, ये देखें अगर मैं यहाँ पे डालूँगा ना, जैसे ये देखें ये देख सकते हैं आप ये, तो बेसिकली ये जो है ना फ्यूल यहाँ से निकलेगा आपके सामने, मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा पहले, ये देखें आप, ये मैंने किया, गिरा कि नहीं गिरा नीचे, ये देखें ये यहाँ से गिर रहा है बेसिकली, देखें ये इस सुराख से गिर रहा है, इस सुराख से ना कैमरा में शायद आपको नजर नहीं, आपने देखा होगा ये गिरा है नीचे बेसिकली ना, ये इसी का है, ये इसी का है बेसिकली ना। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपका कार्बोरेटर इस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ रह गई थी सिर्फ अभी इस वक्त, सिर्फ ये स्क्रू दोस्तों, ये अब ये जो होती है इसकी पिन, जो आपको बता दूँ माइलेज सेटिंग की पिन जो होती है दोस्तों, ये कि ये ली पिन बेसिकली आप देख सकते हैं, इसकी पिन टूटनी नहीं चाहिए, ये लगती है इस सुराख पे, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है कि ये आपको जो है ना स्लो जेट, जो आपका पायलट जेट होता है,
इसके इसको ब्लॉक करती है, इसकी जो है ना ईयर को ब्लॉक करती है। अगर दोस्तों ये नहीं होगी ना, फिर ये छोटा जेट जो है ना आपका पायलट जेट, स्लो जेट, ये अपनी मर्जी से जो नहीं है फ्यूल देगा। तो बेसिकली इसको आप कंट्रोल करते हैं। अब होता ये है कि जो मेन जेट है उसको तो आप थ्रोटल से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जब जैसी थ्रोटल दिया, ये सुई जो नहीं है, सुई जो होती है ये आपकी, ये डायफ्रेम, ये ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से आप मेन जेट को कंट्रोल कर सकते हैं उसका फ्यूल। लेकिन जो स्लो जेट होता है बेसिकली वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो बेसिकली उसको आपकी आप करते हैं सेटिंग, जो आप करते हैं ना मिक्सिंग सेटिंग करते हैं ना माइलेज के लिए, वो बेसिकली करते हैं यहाँ से। ये देखें इस चीज़ से वो होती है। तो इसको आपने लाजमी जो नहीं है इसकी जो होती है तकरीबन 2 चूड़ी करते हैं इसको, ठीक है, 2 मतलब 2 मरतबा 360 डिग्री आप अगर टर्न लें ना तो वो होती है मतलब 2 चूड़ी। ये इसकी सेटिंग है बेसिकली, लेकिन सेटिंग थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन आमतौर पर 2 चूड़ी होती है इसकी सेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, इसको आपने लाजमी सेट करना है। सिंपली ये जब हम सेट करते हैं ना इसको, तो इसकी सुई यहाँ से निकल जाती है ऊपर से, इसकी सुराख देख रहे हैं आप, यहाँ पे करके आप सुराख देख रहे हैं, यहाँ पे ये सुई निकल रही है, वो इसी की होती है। अगर ये सुई टूट गई ना, इसकी नीडल जो है आप देख सकते हैं, तो फिर आपकी माइलेज ख़राब हो जाती है। इसलिए लाजमी इसको तोड़ना नहीं है, बहुत ही एहतियात से लगाना है। बहुत से मैकेनिक इसको तोड़ देते हैं, तो आपने ख्याल करना है बेसिकली ये, ठीक है ना। तो इसको मैं लगाने का वही तरीका है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के, मतलब इसको आप टाइट कर दें सिंपली, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, टाइट किया मैंने, सिंपली टाइट कर दिया इसको, ठीक है। आप देखें अंदर नीडल निकल चुकी है, गौर से देखें आप यहाँ पे अंदर सुराख के अंदर, ये इसी की नीडल है बेसिकली, ठीक है ना ये। और जैसे कि आपको पता है कि जब हम रेस देते हैं तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो देखें ये ऐसे खुलता बंद है ना, ये हमारी ना थ्रोटल के साथ है ये चीज़ ना ये। तो बेसिकली अभी दोस्तों तो बस मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इस कार्बोरेटर के बारे में। इसमें बस ये है कि CG125 से थोड़ा सा ये एडवांस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये CG125 का पड़ा है मेरे पास, ये देखें ये, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी पहले, आपको पता है CG125 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने इसकी वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं। इस कार्बोरेटर में इसमें फ़र्क ये होता है दोस्तों, इस जैसे कि इसमें कोई डायफ्रेम नहीं होती है। इस कार्बोरेटर के अंदर देखें दो डायफ्रेमें दी हैं उन्होंने ये, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कोई डायफ्रेम नहीं होती है। ये सिंपल जो नहीं है आप कह लो स्लाइड कार्बोरेटर होता है, ठीक है। ये इसकी चौक वगैरह होती है, आप मतलब ये बहुत ही पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल की चीज़ है ना ये। जो ये कार्बोरेटर है हमारे पास ये वाले, ये थोड़े जदीद कार्बोरेटर हैं। इसकी जो कंपनी है इस कार्बोरेटर की दोस्तों, इस कंपनी का नाम है TK कंपनी। बेसिकली दोस्तों TK कंपनी जो नहीं है एक जापानीज़ कंपनी है, लेकिन इसकी जो नहीं है 2 फैक्ट्रियाँ चाइना में मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान में जो कार्बोरेटर आता है बेसिकली ये वहीं से आता है। आप देखें ये इस कंपनी का नाम है TK, यहाँ पे गौर करें ज़रा आप, यहाँ पे ये देखें TK करके कंपनी है, ये थाईकाई इसका नाम है, जैपनीज नाम है, ज़रा थोड़ा मुश्किल प्रोनाउंस करना होता है। बेसिकली दोस्तों ये कार्बोरेटर एक अलग कंपनी बनाती है, और ये जो यामाहा जैसे है तो यामाहा ये कार्बोरेटर खुद नहीं बनाती, वो एक कंपनी से परचेज करती है बेसिकली, ठीक है। ये इसीलिए दोस्तों जो नहीं है ये कार्बोरेटर आपको बहुत सी बाइकों में देखने का मिलेगा, इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल बजाज जैसी कंपनियां इसको इस्तेमाल करती हैं, और इंडोनेशिया में भी बहुत सी कंपनियां हैं जो इसको इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी कंपनी है, बताने का मकसद ये है दोस्तों। अब इसकी सफाई करते हैं, मैंने आपको सारा इसका प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। अब इसको सिर्फ क्लीन करना है, बहुत गंदा हुआ हुआ है कार्बोरेटर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना रह गया था, बेसिकली ये जो चीज़ हमने निकाली थी ये लगी होती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लगी होती है, ये यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है इस जगह पे दोस्तों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अगर आप देखें इसका जो नहीं है सुराख जो है ना बेसिकली, ये इसका जो सुराख है ना बेसिकली यहाँ पे, इसका सुराख यह है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर करके सुराख है यहाँ पे। बेसिकली दोस्तों ये जो सुराख होता है ना, ये यहाँ पे इसके अंदर सुराख है बेसिकली, ये अंदर जो नहीं है ईयर लेके आता है। अगर दोस्तों इसकी जो टैंकी होती है, पेट्रोल की टैंकी होती है कार्बोरेटर की, इसको टैंकी बोलते हैं, छोटा टैंक होता है छोटा सा, इसमें अगर ईयर नहीं आएगी ना ऊपर से तो वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूम ना बनने के लिए ना
बेसिकली ये सुराख देते हैं, ठीक है। और इस सुराख को हम आगे से जो नहीं है पाइप लगा के इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि जो नहीं है इसमें एयर जाए भी और वैक्यूम भी रिलीज हो, दोनों चीज़ें रिलीज होती हैं, ठीक है ना। ये अगर ये पाइप ब्लॉक हो गया फर्ज कर लें तो आपका जो है ना फ्यूल यहाँ से आएगा नहीं, इसके अंदर फ्यूल आएगा नहीं बेसिकली ये। और अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इसका जो न्यूट्रल वाल्व था बेसिकली ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ बेसिकली ये चीज़ जो दोस्तों होती है ना ये यहाँ पे लगती है, हम सबको पता है। जैसे कि ये पेट्रोल को खोल बंद करती है, कभी बंद करती है कभी ऊपर नीचे होती है, पेट्रोल को बंद करती है जो टैंकी से पेट्रोल आ रहा होता है आपकी उसमें, और ये फ्लोट की तरह जैसे ही देखें फ्लोट होती है, जैसे ही फ्लोट नीचे चली जाती है ये ओपन हो जाती है। जैसे पेट्रोल फुल हो गया आपकी गाड़ी में, मतलब आपकी इस कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल फुल हो गया, तो ये ऐसे ऊपर आती है ना बेसिकली, तो बेसिकली होता ये है थोड़ी ये ऊपर चला जाता है ना, ये ऊपर चला जाता है और आपका जो नहीं है फ्यूल ये बंद कर देती है बेसिकली। तो अगर कभी ऐसे हो कि आपका फ्यूल जो नहीं है लीक हो रहा हो, ठीक है, अगर आपका फ्यूल जो नहीं है इस वाली जगह से, इस पाइप से जो पाइप होता है कार्बोरेटर की यहाँ पे, ये इस पाइप से जो ओवरफ्लो पाइप होता है वहाँ से लीक हो रहा होना आपका फ्यूल कभी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी ये चीज़ जो ना ये ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। ये इसको न्यूट्रल वाल्व बोलते हैं, ये थोड़ा मिल जाता है ज़रा, बस थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, मिल जाता है ये ना इजीली। तो बेसिकली इसमें ऊपर होता है रबड़, ये रबड़ ही फ्यूल को रोकता है, पेट्रोल को रोकता है बेसिकली। तो बेसिकली दोस्तों ये कभी आपका ख़राब हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओवर फ्लो का मसला यहाँ से पैदा होता है इसकी वजह से, ठीक है ना। ये जब ये ख़राब हो जाता है तब ओवर फ्लो पैदा होता है ये, और मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में आपको, ठीक है। कोई बात अगर रह गई हो तो आप पूछें, इसकी सफाई करेंगे अभी, ठीक है हम दोस्तों, उसके बाद इसको दोबारा से रीअसेंबल करेंगे, फिट करेंगे और सेटिंग करेंगे सिंपली। तो दोस्तों अभी हम इसको क्लीन करके वापस लेके मैं आ चुका हूँ, ठीक है। क्लीनिंग की वीडियो मैंने इस वीडियो में नहीं डाली क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऊपर आई कार्ड में भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बनाई है इसके ज़रिए जो है ना, कार्बोरेटर स्प्रे के ज़रिए मैंने सफाई की वीडियो बना चुका हूँ अलग से, आप वो देख लें। अब दोस्तों इसको हम करेंगे असेंबल, जिस तरह खोला था वैसे ही हम इसको दोबारा से बंद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसके हम लगाएंगे जेट, ये इसकी जो है ना बेसिकली जेट का जो इंजेक्टर है वो सबसे पहले हम लगाएंगे, ठीक है। ये इसके लिए क्या है कि ये मेन जेट है यहाँ पे, ये सिंपली इसको डाल के इसको हमने इस तरह हमने इसको बंद करना है, ये देखें आप सिंपली बंद करना है, और यहाँ पे 8 नंबर की चाबी की मदद से इसको टाइट कर देना है। बहुत टाइट नहीं करना, बहुत हल्का टाइट भी नहीं करना है, ये इस तरह टाइट हो गया भाई, ये अब ये लगा दिया। अब इसके बाद हमने इसका जेट चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2015-16-17 मॉडल का जो जेट होता है मेन जेट वो 122 नंबर आता है, कंपनी ने बाद में जेट का साइज छोटा कर दिया था, ठीक है। तो हम इसमें अब देखें छोटा जेट लगाएंगे, ये कंपनी का अपना जेट था पहले वाला, अभी जो कंपनी दे रही है वो 119 नंबर दे रही है। तो जैसे कि जो मैंने इस छापर में से निकाला था, याद करें अगर आप, तो बेसिकली ये हम जेट चेंज कर रहे हैं। इससे यह होता है कि इसकी गाड़ी की थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती है, माइलेज भी अच्छी हो जाती है, और थोड़ी सी जो नहीं है जो मिसिंग का इशू आ रहा था पुराने मॉडल में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम इसका जेट चेंज कर रहे हैं, ये देखें नया जेट मैं इसमें लगा रहा हूँ। सिंपली ये जेट को पकड़ के इसके ऊपर आप जो इसका इंजेक्टर है इसके ऊपर आप इस तरह लगा दें, ये देखें ये चूड़ी है सिंपली, ठीक है। और प्लास की मदद से हल्का सा टाइट कर दें इसको, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरह आपने जो नहीं है टाइट कर देना, ये देखें आप, ये देखें आप, बस ये टाइट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ये टाइट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, स्मॉल जेट जो पायलट जेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्लो जेट बोलते हैं, ये देखें ये इसको लगाना है। इसके बिल्कुल आगे सुराख है, जैसे कि आप डाल दें इसको, और क्या करना है इसको डाल के इस छोटे पेचकस की मदद से हम इसको अब बंद करेंगे, ये देखें ये सिंपली आपने स्लोली इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। ये हल्का टाइट करना है इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, बहुत कम टाइट भी नहीं करना, फिर भी ये खुल भी सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जेट खुल जाता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जेट जो है ना आपका ये ओपन हो जाता है, तो फिर बहुत मसला करता है। इसको आप हल्का टाइट कर दें, ठीक है। ये देखें मैंने टाइट किया इसको, ये अब ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका साथ में पंप है,
इस पंप को मैं बंद कर रहा हूँ इसके रबड़ से ना, वैसे इसको आप ना भी खोलें तो ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए खोला था, आप ना भी खोलें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल ये रबड़ लेके इसको हम सिंपल रबड़ लेके हमने इसको बंद कर दिया, ओके हो गया ये।